2015 के बाद भारत सरकार ने इस बात को स्वीकार किया। भारत सरकार ने इसको हर स्टेट को अगवा भी करवा दिया, लेकिन जो पुरानी पॉलिसी थी कि भाई कमीशन कितना देना ये स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी, भारत सरकार ने 70 रुपीज तय किया। आज कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे तेलंगाना, वहां क्विंटल पे 20 रुपया कमीशन मिलता है, गुजरात में 70 रुपीज, कल आपके यहां कर्नाटक में 70 रुपीज, पंजाब में 25 रुपीज, 25 रुपीज। तो ये जो मनमानी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, इसके कारण गरीबों तक अनाज नहीं पहुंचता, इसलिए राष्ट्रीय नीति में उसको समाविष्ट कर देना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंटों से सिर्फ देखरेख रखने का अधिकार रखना चाहिए, बाकी सब अधिकार वापस लेना चाहिए। तो मैं मानता हूँ ये सिस्टम बेहद अच्छी हो जाएगी, उसमें कोई शंका नहीं है। इसके विश्व को बता दिया कि नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं, जो पॉलिसी है, उनका काम करने का जो ढंग है, वो पूरे हिंदुस्तान की जनता को स्वीकार है। इसको प्रतीक उत्तर प्रदेश ने दिया है और साथ में उत्तर प्रदेश ने ऐसा मुख्यमंत्री दे दिया कि जिसका जवाब आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा। मेरा दुकानदार हर घर को पहचानता है और उस संगठन में चलाता हूँ, उसका मैं मुखिया हूँ। मैं पीएम हूँ, प्रहलाद मोदी। ओके, थैंक यू, थैंक यू।